घर में रहते रहते ना मैं अब क्या पूरे दिन खाली बैठ रहता हूँ। एक्टर के पास बहुत टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम, मतलब इतना टाइम है कि भाई साहब आप क्या कर रहे थे आज घर पर, यहाँ से पहले जब आ रहे थे तब? हाँ शूट पर मैं मूवी देख रहा था। पूछो मैं कल रात को क्या कर रहा था, पबजी खेल रहा था। हर वक्त मूवी देखता रहूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं मूवीज बहुत ज्यादा देखता हूँ, सॉरी लेकिन मैं बहुत मूवीज देखता हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है हॉरर मूवी, साउथ इंडियन हॉरर मूवी। उससे ज्यादा फनी मूवी और कहीं नहीं होती। वो लोग ऐसे इंटेंस मोमेंट में फन लाते हैं ना, मतलब एक मूवी है लिफ्ट करके साउथ की, उसमें भूत है जो उनको बार बार एक लूप में फंसा रखा है, वो लिफ्ट से नीचे नहीं जा पा रहे। तो एक सीन होता है जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों लिफ्ट के अंदर हैं और हीरोइन ऐसे नीचे बैठ के कुछ तंत्र विद्या बना रही है कि अब ना वो भूत हमें बताएगा। वो बोल रही है, एकदम इंटेंस सीन चल रहा है, एकदम इंटेंस, चार्ली चार्ली वेयर आर यू, चार्ली चार्ली कम हियर। ये हराम का जना पीछे बोल रहा है, चार्ली भाई जहां वहीं रहना। ए बैं तेरा दिमाग खराब है, वो बेचारी यहां मरने को हो रही है और तो कह रहा है चार्ली भाई जहां वहीं रहना, बस आना मत गलती से भी। इतने इंटेंस मोमेंट में पता नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ ये कौन राइटर से जो इतना दिमाग लगाते हैं। एक मूवी है पिज्जा 3 करके, ये भी साउथ की हॉरर मूवी है। इस मूवी में जो मेल प्रोटैगनिस्ट है वो एक होटल बनाता है, अपना रेस्टोरेंट बनाता है, उसको खरीदता है। तो उस रेस्टोरेंट में क्या है, उस रेस्टोरेंट में भूत होते हैं। अब सीन ये है उसके अंदर कि उसके रेस्टोरेंट के एक दिन फ्रिज में ना एक मिठाई निकलती है जो किसने बनाई है कोई नहीं जानता। तो सभी सोचते हैं कि हमारे बॉस ने बनाई होगी। तो सब जाते कहते हैं, बॉस वाह क्या बनाई है। तो वो कहता है, मैंने नहीं बनाई। और सब क्या बोलते हैं, देखो कितने हम्बल आदमी है बनाई। फिर वो बार बार ये बोल रहा है, मैंने नहीं बनाई। और सब देखो कितने हम्बल आदमी। इस चक्कर में 4 लोग मर जाते हैं, 4 लोग खत्म हो जाते हैं, उनकी हम्बलनेस खत्म नहीं हो पाती। वो कह रहा है मैंने नहीं बनाई, कह रहा अरे देखो कितने हम्बल आदमी है। फिर वो जो जो हम्बल बोलता है सब मर जाते हैं। और इतनी कॉमेडी, इतनी तगड़ी कॉमेडी कोई नहीं डाल सकता जो हॉरर मूवीज डालती है साउथ इंडियन वाली। और एक मुझे मूवी से सबसे गंदी प्रॉब्लम जो है, ये तुमने नदियों को क्या बना रखा है, ये बच्चा डिलीवरी सिस्टम क्या है? जिसका बच्चा होता है उसको मन नहीं करता, वो डालता है कटोरे में, नदी में भेज देता है। क्यों? और नदी पहुंचा भी रही है उसको, कितनी आज्ञाकारी नदी है। वो पॉइंट ए से बच्चे को उठाती है और पॉइंट बी पर जाकर छोड़ देती है। क्यों भाई, नदी है उफान मार ले बच्चे को साथ में। मतलब ठीक है, महाभारत काल में माता कुंती ने ऐसा करा भी, करना पड़ा, वो समझ आता है। अब हर बार थोड़ी भेज दोगे। और बॉलीवुड तो बॉलीवुड, हॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है। मैं वॉर ऑफ क्राफ्ट देख रहा था 3 दिन पहले, मैं सारी मूवी देखता हूं बैठे बैठे, कुछ नहीं छोड़ता। मैंने 4 बार देशद्रोही देख ली, 5 बार आंखें धुली फिनाइल से। अरे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा। पहली बार रह जा, आंखों से खून कैसे निकलता है। तो वो एक्चुअल में उसको बच्चे को डाल रहा है, छोड़ रहे हैं, और लिटरली नदी उन्हें वापस छोड़ के आ रही है। मैंने तो ट्राई करने की सोची है, पर मेरा भाई थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। अब 22 साल के बच्चे को मैं अगर डालूं तो सही सा नहीं लगेगा। कोशिश कर सकते हैं ऐसे, चलो ठीक। तो ऐसे ही करके मूवीज, और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है पुरानी मूवीज, 90s की 80s की मूवीज। और लेकिन मुझे बुरा यह लगता है कि हम उस मूवीज में जो विलन है ना वो एक्चुअली में हीरो होते हैं। मतलब एक आदमी जिसने अपनी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला है, बड़ा करा है, वो कह रही है मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रेम से करूंगी। क्यों? उसके वो कह रहा है कि इसके कुछ नहीं कमाता, कुछ नहीं करता। नहीं, हम दोनों एक दूसरे के सहारे जी लेंगे। अच्छा घंटा, तू दिन में 4 बार तो मोमोज चेपती है, हैं? और मोमोज की ठेली लगाने लायक आदमी नहीं है, उसके बाद कैसे जी लेगी तू? तो ये प्रॉब्लम है, हम उन लोगों को विलन क्यों बना रहे हैं? भाई अगर मेरी कोई बेटी हुई, मैं नहीं कर दूंगा किसी गरीब से शादी, भाई क्यों? इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ ठीक है, अगर वो पाल पोस सकता है, मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं कि मुझसे कम कमा रहा है, पाल पोस कर सकता है, उसका ध्यान रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे लड़की कितना भी कमा ले, बाप यही देखता है कि यार मेरी बेटी का ध्यान रखे, चाहे उसे पता है कि मेरी बेटी अपना ध्यान रख सकती है, जो गलत नहीं है। तो ये चूती ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वो कह रही है मैं इसके सहारे रह लूंगी, हम दोनों एक दूसरे के सहारे रह लेंगे। खाओगे क्या, पहनोगे क्या, सहारे एक दूसरे को लपेट के थोड़ी घूमोगे, चलो बेबी चलते हैं एक बार। ये हरकत क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं। और एक मुझे समझ नहीं आता, पुरानी बहुओं को इतना वो क्यों दिखा रखा है? कह रहे मेरी वो बहू इतनी गंदी थी, सास को भेज दिया। एक बात बताओ, सास को क्यों भेजा? आपने कभी सोचा है सास क्या कह रही है? सो 1 बजे, उठो 4 बजे,
सारे बर्तन धो, सारे कपड़े धो, उसके बाद में कुछ बोलो मत, बाहर मत जाओ, हंसो खेलो मत, उसके बाद में सास छोड़ भैंस, एक बार का बाप भेज दे अपने साथ में बेटे को। इतनी बुरी हालत रखती है वो लोग बच्चों के वहाँ, वो उस हिसाब से रखते थे। तो वो विलन हम क्यों समझ रहे हैं उस लोगों को? ऐसी लॉजिकल इलॉजिकल चीज़ें होती है, ऐसी लॉजिकल चीज़ें इंस्टाग्राम पे बहुत है। मतलब इतनी साइंटिफिकल रिसर्च हो रही है ना इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा। नासा ने तीन डिपार्टमेंट बनाए, ये रॉकेट साइंस, ये स्पेस का साइंस और एक फुद्दू साइंस। ये फुद्दू साइंस क्या निकालते हैं कि आज रिसर्च निकली है कि जो कोवर्कर है वो आपस में फ्लर्ट करे तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम की। ये कौन सा साइंस है और आपके हिसाब से कैसे सही है? एक पोस्ट आया कि जो लोग सेलिब्रिटीज को ज्यादा पसंद करते हैं उनमें सेंस नहीं होता। वो ठीक है, ऊपर सलमान खान की फोटो क्यों थी? ये डायरेक्ट हिट क्यों करा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही बात। हम अब हमें अलाव है क्या ये? मैं भी करूंगा फिर तो, ये तो सही बात है। एक दिखा रहा है कि कुत्ते इंसानों के बारे में सोचा सपने देख रहे हैं। कौन देख रहा है कुत्तों के सपने? पता कैसे चल रहे हैं भाई साहब, ये कुत्ते इंसानों के सपने देखते हैं? मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता तो बताओ भी, मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है। और ऐसे अजीबोगरीब चीज़ आती है कि आप पूछो मत। इंस्टाग्राम पर सिर्फ पोस्ट नहीं, नीचे कमेंट। ओहो, अभी एक कमेंट आया था, अभी एक मेम आया कि आपके जितने भी परसेंटेज ऑफ बैटरी है उसको 2x कर देंगे, उतने रन विराट कोहली बनाएगा। चलो ठीक है, एक आपका वो हो गया, चाहिए 200 है। तो एक लड़की नीचे कमेंट करा, 300 रन। 300 रन कैसे? नीचे एक बंदे ने मैसेज करा, चुब्बे बैंगन, चुब्बे बैंगन, और वो चुप हो गए उसके बाद। और उसके बाद में नीचे इस कमेंट्स के अंदर ना, इसके बाद सबसे ज्यादा इस कमेंट्स के नीचे अंदर एनजीओ वाले लोग हैं, चेकआउट माई स्टोरी, हॉट पिक्स, फॉर सर्विस, ये सब जो है ना, ये सब और सब दिव्य लोग हैं संसार में, जो लोगों में से प्यार बांटने के लिए आए हैं कि आपको पिक्स चाहिए ये लीजिए। और इसी चक्कर में लोग खराब भी होते हैं।